Dear students, in last class we have discussed about the two application of the dimensional formula. First application में हमने सीखा था कि dimensional formula का अगर हमें knowledge है तो हम एक system of unit को, अगर कोई SI system में unit दी हुई है उसको CGS में convert कर सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं. मतलब one system of unit we can convert into another system of unit. सेकेंड एप्लीकेशन हमने ये सीखा था कि वी कैन चेक द फार्मूला, इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग. अगर होमोजीनियसली वो लेफ्ट एंड राइट में दोनों में अगर उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है. थर्ड जो हमारा इसका एप्लीकेशन है डायमेंशनल इक्वेशन का या डायमेंशनल फार्मूला का, हम किसी भी चीज़ के फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं. जितने भी जैसे इक्वेशंस हैं, डायमेंशंस जो हम देखते हैं उनमें से बहुत कुछ को हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. जैसे एक पेंडुलम है, उसके नीचे कोई मास बंधा हुआ है, इसकी लेंथ है, तो जब हम इसको ऑस्किलेट करवाते हैं इधर उधर जैसे झूला होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है अगर उसको हमने ऐसे डिराइव करना है, देखना है कि वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. तो आपसे ये थर्ड है, वी कैन डिराइव द फार्मूला. हम क्या मानते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन है वो डिपेंड करता है मास पे, लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन तीन फैक्टर के ऊपर मान लिया वो डिपेंड करता है. और सिर्फ ये डिपेंड करता है अभी तक पता है, लेकिन किसके ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या फार्मूला बनेगा, वो डिराइव करना है. तो उसको डिराइव करने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. तो हम क्या करते हैं इसको डिराइव करने के लिए, लेफ्ट में टाइम को लिख लेते हैं और राइट में ये जो जो फैक्टर्स हैं इनको लिखते हैं. तो आप क्या करो, इधर लिखो टाइम टी, मास है तो मास की पावर लिखो ए. अभी मान लेते हैं कि इसकी पावर ए है, मतलब जो इनकी डिपेंडेंसी है किस पे कम है किस पे ज़्यादा अभी हमें नहीं पता. एल की पावर बी, जी की पावर सी. अब ये डिपेंडेंसी किस पे ज़्यादा किस पे कम वो डिपेंड करेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या आती है. अब ये जो टी है टाइम, इसको इधर के लेफ्ट को पूरे को अगर डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन. ऐसे ही राइट में मास, मास को क्या लिखते हैं हम लोग, एम लिखते हैं, तो इसकी पावर ए. एल लेंथ, लेंथ को हम कैपिटल एल लिखते हैं, इसकी पावर बी. जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर का मतलब एल, सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है एल की, एल टी की पावर माइनस टू. तो एल टी की पावर माइनस टू, पूरे की पावर अगर सी है तो इसको हम लिख सकते हैं एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी. तो राइट में क्या बन गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी. और ये बन गया एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन. तो यहाँ से एम की पावर को लेफ्ट वाली को राइट से इक्वेट करो, तो इधर तो जीरो उधर है ए, तो ए की वैल्यू आ गई जीरो. ऐसे ही एल की पावर को इक्वेट करो, एल की पावर इधर जीरो उधर बी प्लस सी, तो ये दो हैं इसमें, अभी हम नहीं निकाल सकते क्या वैल्यू आएगी पता नहीं. इधर टी की पावर माइनस वन, उधर टी की पावर जो है वो है माइनस का, सॉरी ये टी की पावर प्लस का वन है, क्योंकि ये तो टी है ना सिर्फ, तो वन है ये, तो टी की पावर प्लस का वन इज इक्वल टू माइनस का टू सी. तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का वन बाई टू. इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो इज इक्वल टू बी माइनस का वन बाई टू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का वन बाई टू. तो अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं टाइम का क्या फार्मूला बनता है. तो टाइम का फार्मूला बनेगा एम की पावर ए, ए की वैल्यू जीरो आई है, बी एल की पावर वन बाई टू, सी की जी की पावर सी की जगह माइनस का वन बाई टू.
तो ये बन गया m की पावर 0 बन गया 1, l की पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई g की पावर 1 बाई 2, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट l बाई g t इज इक्वल टू। और जब एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा 2 पाई, ये एक्सपेरिमेंटली आया। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ l है, वो उसके नीचे क्या मास बंधा हुआ है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। हमने वैसे मान के चले थे लेकिन उसकी वैल्यू अपने आप, उसकी पावर जीरो आ गई, तो मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का ज्ञान होने से फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो ये तीन इसकी एप्लीकेशंस थी डायमेंशनल फार्मूला की, जिसकी हेल्प से हम लोग फार्मूला को चेक कर सकते हैं ठीक है या गलत है, डिराइव कर सकते हैं और वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये कुछ काम नहीं भी कर सकता। वो क्या क्या हैं? इसकी पहले मैं बता देता हूं क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एक तो जैसे अभी हमने फार्मूला को डिराइव किया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इज इक्वल टू रूट एल बाई जी, जो आगे उसके 2 पाई आया है वो 2 पाई एक्सपेरिमेंटली दूसरे तरीके से पता किया गया, डायमेंशनल फार्मूला उसको नहीं बता पाया। एक तो फार्मूला में जो कॉन्स्टेंट आता है डायमेंशनल एनालिसिस से हमारे को उसका नॉलेज नहीं होता है कि वो कितना आता है, फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे डायमेंशनल फार्मूला में 3 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, मास लेंथ एंड टाइम को छोड़ के कोई और चौथा वेरिएबल भी है, तो फिर हम उसका फार्मूला डायमेंशनल एनालिसिस की इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्या है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लॉगरिथमिक है, इस तरह का अगर कोई फार्मूला है जिसमें ये सब आता है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, तो उसका फार्मूला हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, और इसमें हम लोग जैसे कोई ऐसा फार्मूला है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, प्लस हाफ ए टी, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी पे डिपेंड है, टाइम पे है, एक्सीलरेशन पर, 3 पे है, लेकिन बीच में कोई प्लस माइनस ऐसा है, मल्टीपल टर्म्स हैं, तो वो फार्मूला भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। और लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है, जो हम इक्वेशन या फार्मूला डिराइव करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी में है या स्केलर क्वांटिटी में है, ये जो हमारा डायमेंशनल इक्वेशन है ये उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बता पाता कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये हमारे को इस बारे में नॉलेज नहीं देता है। तो दीज आर दी 5 लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं 1 by 1 इनको लिख देता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस जो इसकी लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट लिमिटेशन है इट इज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट इन द डायमेंशनल फार्मूला। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है इट इज नॉट एबल टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला विच इज हैविंग मोर देन 3 वेरिएबल। डायमेंशनल
थर्ड जो है इट इज नॉट एबल टू डिराइव द फार्मूला विच आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इस टाइप की अगर कोई टर्म्स उसके अंदर हैं तो ये डिराइव नहीं कर सकता. एबल टू डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टर्म्स हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म्स. तो इस तरह की टर्म्स अगर उसमें हैं तो ये डिराइव नहीं कर पाएगा. फोर्थ जो है इसके अंदर ये है कि इफ ए फार्मूला इज हैविंग मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी एक फैक्टर है, हाफ ए टी स्क्वेयर एक दूसरा फैक्टर है, तो उसको भी ये डिराइव नहीं कर सकता. इफ फार्मूला इज हैविंग देन वी कांट डिराइव इट. और लास्ट ये है कि हम इसकी हेल्प से ये पता नहीं लगा सकते कि जो हमारी इक्वेशन या फार्मूला बना है वो वेक्टर है या स्केलर है. तो इट इज नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर फॉर्म. तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशंस या एनालिसिस का टॉपिक ओवर हो जाता है. अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, एरर इन मेजरमेंट. अब कोई भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं या टाइम को मेजर करते हैं, तो हम हर बार हर वक्त हर मेजरमेंट में बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं निकाल सकते. जैसे किसी की लेंथ मेजर करनी है 1 मीटर, वो 1 मीटर से हो सकता है 1 मिलीमीटर कम भी आ जाए, ज़्यादा भी आ जाए, तो वो क्या है, उसके अंदर एरर है. तो मेजरमेंट करते टाइम एकदम परफेक्ट ट्रू वैल्यू कभी नहीं आती, कभी कम ज़्यादा आ जाती है. तो वो जो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू है दैट इज नोन एज द एरर इन आवर मेजरमेंट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज एरर. एरर इन मेजरमेंट. तो एरर कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज difference between true value and measured value, this is known as error. तो error जो है वो 3 तरीके का होता है. First one है type of error में, फर्स्ट जो एरर होता है वो होता है ऐसा एरर जिसको हम लोग कम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसके कारण का हमें पता होता है, दैट इज नोन एज सिस्टेमेटिक एरर. नेक्स्ट जो एरर होता है वो होता है एक ऐसा एरर कि हम अगर डेली भी काम करते हैं फिर भी आ ही जाता है, जो किसी भी कारणवश से आ ही जाता है, वो होता है रैंडम एरर, जिसको कम नहीं कर सकते हम, हमें पता ही नहीं चलता इसका कारण क्या है,
वो रेंडमली आ जाता है। और एक होता है ग्रोस एरर, ये एक ऐसा एरर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से आता है, ड्यू टू लैक ऑफ द सीरियसनेस, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करने वाले की सीरियसनेस की वजह से। तो ये तीन एरर होते हैं, इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे फर्स्ट एरर है सिस्टमैटिक एरर, अब सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, जिसका कारण हमें मालूम होता है। अब वो कारण में क्या क्या हो सकता है कि जैसे नंबर वन, जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है वो अगर टेक्निकली उतना स्किलफुल नहीं है, भाई मान लिया मेरे से कोई बोले कि आप 2 ग्राम या 20 ग्राम सोने को तोल के दिखाओ, अब मेरे को तो तोले में मापना आता नहीं है तो मैं कैसे मेजर करूँगा, आई एम नॉट टेक्निकली स्किलफुल टू डू दिस मेजरमेंट। तो ऐसी बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं, किसी चीज़ की मेजरमेंट हमें करनी ही नहीं आएगी, जो पर्सन करने वाला है तो वो उसको ठीक कर ही नहीं सकता, तो ये पर्सनल एरर है। अगर हम एक ऐसे पर्सन को लगा दें जो कि अच्छे से स्किलफुल है उस काम करने के लिए, तो वो एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल एरर। सेकंड एरर क्या होता है कि अगर कोई ऐसी डिवाइस हम लोग लगा दें जिस डिवाइस से वो मेजर करना ही मुश्किल है, जैसे अगर हम जिस तराजू से सब्जी या फ्रूट खरीदते हैं, उस तराजू से अगर हम सोचें कि भाई 2 ग्राम 2 तोला 50 तोला 20 तोला सोने को तोलना है, तो वो डिवाइस कुछ और है जो सोने का तोल करती है, मेजरमेंट करती है। सब्जी या फ्रूट खरीदने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो कुछ और काम है उसका। तो दोनों ही करते तो मास मेजरमेंट हैं, लेकिन एक की एक्यूरेसी बहुत कम है, एक की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो डिवाइस प्रॉपर लगाने से भी हम इस एरर को कम कर सकते हैं। तो दिस इज सेकंड एरर विच इज़ ड्यू टू डिवाइस। थर्ड क्या है कि अगर हम मेथड ही गलत यूज करें किसी चीज़ की मेजरमेंट का, मेथड ही प्रॉपर ना हो तो भी वो एरर आ सकता है कि एक प्रॉपरली हमने मेथड ही यूज़ नहीं किया। जैसे हमने बहुत लंबी डिस्टेंस मेज़र करनी है 2000 किलोमीटर, और अगर हम एक एक मीटर से मापते जाएंगे 2000 किलोमीटर तक, तो वो कभी भी ठीक नहीं आएगी, क्योंकि हर बार मीटर को उठाएंगे रखेंगे। अगर एक एक मिलीमीटर का भी एरर आता आएगा हर बार में, तो 2000 किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो दैट मेथड शुड बी करेक्ट इफ़ यू वांट लेस एरर। थर्ड क्या है कि सरकमस्टांसिस, जैसे कई बार हम काम कर रहे होते हैं, प्रेशर, साउंड, टेम्परेचर, इन सब के इफेक्ट से भी एरर आ सकता है। जैसे सोना तोलने वाला जो होता है वो अपने चारों तरफ उसको मिरर के अंदर रखता है ताकि हवा ना लगे, कोई हवा की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो वो क्यों करता है, ताकि सराउंडिंग्स की वजह से कोई एरर ना आए। तो दिस इज ड्यू टू आउटसाइड कंडीशंस। और लास्ट वन है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट क्या होता है कि किसी भी डिवाइस के द्वारा कम से कम क्वांटिटी को मेजर करने की कैपेबिलिटी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे हमने वेट मेजर करना है अपना, एक डिवाइस है 80 केजी तोलती है, उसके बाद डायरेक्ट 85 तोलती है, फिर 90 तोलती है। तो अगर मेरा वेट बीच में है 80 और 85 के, तो वो या तो 80 बताएगी या फिर 85 बताएगी, बीच में क्या है वो नहीं बताएगी, तो वो 5 केजी क्या है, लीस्ट काउंट है उसका। अब एक दूसरी डिवाइस है वो 80 के बाद 81 बताएगी, फिर 82, फिर 83, 84, 85। अब उसने बता दिया मान लिया 83, लेकिन हो सकता है मेरा 82.5 हो, तो वो तो 82 के बाद डायरेक्ट 83 बताएगी, तो उसका लिस्ट काउंट क्या है, 1 kg है। 1 kg उसके हम ये मान के चलेंगे कि इतना तो एरर दिखाएगी, ये 82 के बाद डायरेक्ट 83 दिखाएगी, ये बीच की वैल्यू को नहीं दिखाएगी। तो लिस्ट काउंट अगर किसी डिवाइस का ज़्यादा है तो उसका उतना ही ज़्यादा एरर होगा। लिस्ट काउंट जितना कम है वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइजली कम से कम एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंचा के, कम से कम डिजिट में वो एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंचा के हमें बताएगी कि ये इतना इसका आंसर है। तो लिस्ट काउंट जो है कम से कम होना चाहिए, कम से कम छोटे से छोटी वैल्यू को मेजर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए डिवाइस की, अगर हमें एरर कम चाहिए तो। तो दैट इज़ ए एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। तो ये मैं वन बाई वन आपको लिख देता हूँ। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो हम कम कर सकते हैं, जिसके पीछे के कारण को हमें पता होता है। तो इसमें 5 हैं। नंबर 1 है
ड्यू टू पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में जो है अनट्रेंड पर्सन हो सकता है या अनस्किलफुल पर्सन बोलें, उसके स्किल्स पूरे नहीं हैं, या नॉन टेक्निकल पर्सन बोलें, जैसा भी। बी जो है ये एरर ऐसा होता है जो डिवाइस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिवाइस। जो मेजरमेंट हमें करनी है उसके लिए जो डिवाइस लगानी चाहिए थी वो डिवाइस ही हमने प्रॉपर नहीं लगाई, वो कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगाई जिसका काम था उस मेजरमेंट को करने का, तो उसकी वजह से भी ये एरर हो सकता है। थर्ड वन जो है ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड। अगर हम एक इम्प्रॉपर मेथड को फॉलो करेंगे तो उस सिचुएशन में भी हमारे मेजरमेंट के अंदर एरर आएगा। फोर्थ जो है ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग कंडीशंस भी हमारी मेजरमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, इस तरह की कोई भी सराउंडिंग की कंडीशंस हैं, दे कैन डैमेज और डिस्टर्ब आवर मेजरमेंट, सो देयर कैन बी एरर इन आवर मेजरमेंट। और फिफ्थ वन है लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? ये वो एरर होता है कि अगर कोई मशीन या मेजरिंग डिवाइस कम से कम वैल्यू जो उसकी मेजर करने की कैपेबिलिटी है वो ही बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने आधा केजी को मापना है, लेकिन कोई ऐसी डिवाइस है या तो वो 0 kg, 0 के बाद सीधा 1 kg मापती है, तो वो आधा केजी कभी बता ही नहीं पाएगी। जैसे हमने सब्जी वाले के पास जो तराजू होती है वो कम से कम 20 ग्राम को तोल पाता है, लेकिन मुझे तोलना है 5 ग्राम सोने को, तो वो या तो 0 बताता है या वो 20 ग्राम बताता है, बीच में 5 ग्राम सोने को वो बता ही नहीं सकता, तो उसका लिस्ट काउंट ही 20 ग्राम है। तो वो अगर हम उससे 5 ग्राम तोलने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा एरर दिखाएगा, दिस इज़ लिस्ट काउंट एरर। तो इसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस लगा के जिसका लिस्ट काउंट कम है। तो ये कुछ 5 तरह के एरर थे विच आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टमेटिक एरर विच वी कैन मिनिमाइज द एरर विच आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरर आर नोन फॉर अस, तो वो हमें मालूम होते हैं और उनको हम कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडमली जो कभी मेजरमेंट के अंदर आ जाए, रैंडम एरर ये ऐसा एरर होता है कि डेली अगर एक मेजरमेंट करते हैं, हम डेली वही काम करते हैं, फिर भी हमारी मेजरमेंट में एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक सब्जी बेचने वाला सारा दिन 1-1 kg सब्जी बेचता है, मान लिया कभी वो 1 kg कोई सब्जी बेचता, कभी 1 kg दूसरी, कभी तीसरी, सारा दिन में वो पता नहीं 1 kg को 50 बार तोलता है, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट 1 kg नहीं तोल पाता। कभी वो 10 ग्राम ज़्यादा तोल देता है, कभी 10 ग्राम कम, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 50 ग्राम ज़्यादा तोल देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 50 ग्राम कम तोल देता है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वो डेली तोलने वाले से 70 ग्राम भी ज़्यादा तोल जाता है, या फिर 70-80 ग्राम कम भी तोल जाता है। तो इस तरह का जो एरर है जो कि हम डेली करते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, आदमी भी परफेक्ट है काम करने वाला, डिवाइस भी परफेक्ट है, जो मेथड है वो भी परफेक्ट है, एवरी सराउंडिंग कंडीशंस भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई एरर आ जाता है दैट इज नोन एज रैंडम एरर। तो इट इज ए एरर एन एरर विच मे कम इन आवर मेजरमेंट without any
नोन काज, जिसका कोई कारण हमें नहीं पता। इस एरर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जैसे 1 kg वो तोलता है, 10 ग्राम ऊपर होना 10 ग्राम नीचे होना, या 20 ग्राम ऊपर होना 20 ग्राम नीचे होना, मतलब थोड़ा सा एरर आना इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन 1 किलो तोलने वाला 100 ग्राम ज़्यादा दे देगा या 100 ग्राम कम दे देगा, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो रैंडम एरर में क्या होता है कि थोड़ा एरर आने की, मिनिमम एरर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और बड़ा एरर आने की, मतलब मैक्सिमम एरर आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इफ दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और इस एक्सिस पे हम बनाएं मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, डेल्टा ए से मैंने मान लिया डिनोट कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे ये 1 kg है, इससे जितना ज़्यादा होगा उधर डेल्टा ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आपने 20 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम ज़्यादा दे दिया, 100 ग्राम ज़्यादा दे दिया, ऐसे ही कम देने के एरर, 20 ग्राम कम दे दिया, 50 ग्राम कम दे दिया, 100 ग्राम कम दे दिया, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो एरर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 1 kg से ज़्यादा भी तुल सकता है, कम भी तुल सकता है। अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव एरर, ऐसे ही सिमिलरली नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। तो कम से कम एरर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा एरर आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, और ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर रैंडम एरर में आपसे ये पूछा जाए कि वो किस कर्व को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है सिंपली कि कम एरर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा एरर आने के चांसेस सबसे कम, या प्रोबेबिलिटी सबसे कम, दैट इज़ नोन एज द रैंडम एरर। लास्ट वन जो है वो है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होता है कि एवरीथिंग इज ओके बट देर आर सम एरर इन अवर रिजल्ट्स आफ्टर दैट आल्सो। वो क्या होता है कि मशीन भी ठीक है, काम करने वाला भी पूरा स्किलफुल है, ट्रेंड पर्सन है, लेकिन कभी कभी वो ड्यू टू लैक ऑफ सीरियसनेस क्या कर जाता है, काम ठीक करते करते भी ऐसे ही वो सीरियस नहीं होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है, तो वो मेजरमेंट में एरर कर सकता है। कभी कभी वो उसने सब कुछ ठीक कर दिया, लिखते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम, कंप्यूटर में फीड करते टाइम वैल्यू गलत लिख देता है, तो हमारा आंसर गलत आता है। तो ऐसा एरर जो कि सिर्फ सीरियसनेस की कमी की वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस एरर। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये जो एरर सीखे हैं हमने, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।